Hello friends, how are you all? I'm Dheeraj. Welcomes you to our channel Miles with Memories. Well, some of our viewers and friends had requested us to make video on Rajasthani, or to be specific, Bikaneri food. Just back home and mom was supposed to cook something really traditional food. Let's see what she had cooked. तो मम्मी क्या बनाया आज आपने? टिपिकल राजस्थानी फूड के बारे में आप बात कर रहे थे, क्या बनाया आज आपने? आज मूली और काचर की सब्जी बनाई है और बाजरे की रोटी। तो आओ हमें बताओ आप इसकी स्पेसिफिकेशन, इंग्रेडिएंट्स, कैसे इसको बनाते हैं, सारे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं। शी इज माई मॉम। तो मॉम क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इस डिश के? मूली, काचर, बाकी मसाले हैं, नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी, ये सारे मसाले हैं और इसमें हींग, जीरा, राई डालते हैं। बनाते कैसे हैं इसको, कैसे तैयार किया जाता है, क्या इसकी प्रिकॉशंस होते हैं वो बताओ। मूली को लेके फिर उसको छील के कटिंग करके फिर उसको धो के फिर ना बॉइल्ड करते हैं। बॉइल्ड करने के बाद में उसको उसमें छोंका जाता है, तेल चढ़ा दिया, फिर उसमें हींग, जीरा और राई डाल के फिर उसको मूली को छोंक देते, फिर उसमें मसाले डाल देते, नमक, मिर्ची, धनिया, हल्दी। फिर मसाले डालने के बाद में थोड़ी पानी डाल देते हैं मसाला सिक जाने के बाद, फिर लास्ट में उसमें खटाई डालते हैं अमचूर। और आप बाजरे की रोटी की बात कर रहे थे, उसकी रोटी कैसे बनती है? नॉर्मल गेहूं की रोटी की तरह ही कुछ अलग उसके उसका तरीका है? नहीं, नॉर्मल आटा है, उसमें नमक, आटे में नमक डालना है फिर उसको गूंदना है पानी से, पर इसको इकट्ठा एक साथ नहीं गूंद के रखते, पार्ट पार्ट में गूंदा जाता है। मतलब जितना अपन को जैसे एक जने के लिए बनाना है तो पहले एक जने के लिए ही उसको गूंदा जाता है। तो ये जो आप सब्जी बना रहे हैं ये सिर्फ बाजरे की रोटी के साथ ही खाई जाती है क्या? गेहूं की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बाजरे की रोटी के साथ भी खाते हैं, अपनी अपनी चॉइस है। सर्दियों में इसको ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये शरीर में गर्माहट लाती है, तो सर्दियों में इस मतलब ज्यादा गुड़ के साथ पसंद करते हैं इसको। किसको? मूली की सब्जी को? बाजरे की रोटी को मूली उसके गुड़ के साथ ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये शरीर में गर्माहट लाती है बाजरे का आटा। बाकी मैंने देखा है आप जब भी बाजरे की रोटी बनाते हो उसमें घी बहुत डालते हो, क्या वजह? तो घी से ही ज्यादा उसका टेस्ट आता है। तो दोस्तों आपने जाना क्या बनाया है, कैसे बनाया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बाजरे की रोटी घी बहुत चूसती है, जितना घी डालोगे वो उसको अब्जॉर्ब कर लेगी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप बाजरे की रोटी खाओगे उसके बाद आपको प्यास बहुत लगती है, पानी बहुत मांगता है बाजरा। कई लोग बाजरे का चूरमा भी बनाते हैं, ढोकले भी बनते हैं, गुड़ और शक्कर के साथ चूरमा घी डाल के बहुत अच्छा बनता है। कई लोग दही से खाना भी पसंद करते हैं, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। अब जब सब आप इसके इंग्रेडिएंट्स, इसका प्रोसेस जान चुके हैं तो आपको डिश भी दिखाते हैं। लेट अस टेक यू ऑल टू द डिश। सो हियर इट इज, मूली का अचार की सब्जी और बाजरे की रोटी। कैसी लग रही है? It's just mouth watering to me. I'm just so much desperate to have it. It's so yummy. So guys, आपको खाना कैसा लगा? Do let us know in our comment section. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।